सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए साथियों, आज हम कक्षा पाँचवीं एवं कक्षा आठवीं के लिए जो बच्चों का सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन होगा उसके ग्रेडों की हम प्रविष्टि कैसे करेंगे, ऑनलाइन प्रविष्टि rsk.mp.in पोर्टल पे इसको हम देखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम चलते हैं rsk.mp.in। किसी भी ब्राउज़र पे आप rsk. टाइप करना, इस तरह से आप rsk.mp.in पे क्लिक करेंगे। किसी भी ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। आप देख सकते हैं साथियों, दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है यूनिक आईडी एवं यहाँ पे जो शिक्षक की जन्म तिथि है उसे हमें दर्ज करना होगा। तो आइए हम इसे फिलअप करते हैं। जैसे मैंने जानकारी यहाँ पे फिलअप कर दी है, इसे हम अब लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे एक नया पेज ओपन हो रहा है। आप मोबाइल को डेस्कटॉप साइट पे ज़रूर कर लें। इसके लिए आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट पे जाना है। इतना करने के बाद साथियों, आपके मोबाइल पे तीन ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आइटम बैंक, 52@ एनुअल एग्ज़ाम, कक्षा पाँचवीं एवं आठवीं की वार्षिक परीक्षा एवं यहाँ पे माई अकाउंट। तो आपको पाँचवीं और आठवीं एनुअल एग्ज़ाम पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम देखेंगे एक नया पेज फिर ओपन होगा। इसमें लिखा है साथियों, इंटरनल मार्क्स एंट्री, इस पे हमें क्लिक करना है। साथियों यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा इसे प्रेस करके रखना है हमें। दो ऑप्शन ओपन होंगे यहाँ पे, प्रोजेक्ट वर्क एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन के लिए एक्टिविटीज़। तो सर्वप्रथम हम प्रोजेक्ट वर्क को देख लेते हैं, इसके बाद हम नीचे के ऑप्शन पे कार्य करेंगे। अब देख रहे हैं साथियों, हमारे पास ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। यहाँ पे आपके विद्यालय का डाइस कोड फिलअप रहेगा एवं यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करना है। क्लास फिफ्थ एवं क्लास एट, तो आपके पास जिस क्लास के बच्चे हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं फिफ्थ पे कर रहा हूँ। इसके बाद दिया है शो, आप देख सकते हैं शो लिखा हुआ आ रहा है। इसे हम और ठीक कर लेते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास हमारे विद्यालय के बच्चों की सूची ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, सरल क्रमांक, समग्र आईडी बच्चे की, विद्यार्थी का नाम एवं पिता का नाम, प्रवेश पंजी क्रमांक जो दाखिल खारिज नंबर होता है उसे आपको यहाँ पे फिलअप करना है। जो भी आपके बच्चे का दाखिल क्रमांक होगा आप उसे यहाँ फिलअप करेंगे। इसके बाद जो प्रथम भाषा है हमारी हिंदी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी एवं गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के अंकों की प्रविष्टि आप यहां पे करेंगे। तो इस तरह आपके विद्यालय के समस्त बच्चों के प्रोजेक्ट कार्य की एंट्री यहां पे बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं साथियों। इसके बाद हम देख रहे हैं साथियों, यहां पे लिखा है वेरिफिकेशन सबमिट। जब आपका पूरा कार्य कम्प्लीट हो जाएगा, आपके समस्त बच्चों की जानकारी आप यहां पे फिलअप कर देंगे प्रोजेक्ट कार्य संबंधी, इसके बाद आपको वेरिफिकेशन सबमिट पे क्लिक करना है। अब हम देखेंगे साथियों, इतना कार्य कंप्लीट हो जाने के बाद दोबारा हमें फिर से पाँचवीं आठवीं एनुअल एग्ज़ाम पे जाना है। इसके बाद हम जाएंगे इंटरनल मार्क्स एंट्री, इस पर हम क्लिक करते हैं। को करिकुलम एक्टिविटीज़, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे साथियों, फिर से नया पेज ओपन हो जाएगा।
यहाँ पे आपके विद्यालय का डाइस कोड फिलअप रहेगा, आपको अपने विद्यालय के बच्चों की कक्षा को चूज करना है। फिफ्थ है तो फिफ्थ, एट तक है तो एट। इस तरह आप शो पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए साथियों, यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे विद्यालय का नाम फिलअप रहेगा, क्रमांक, समग्र आईडी, विद्यार्थी का नाम एवं पिता का नाम पहले से फिलअप रहेगा। आपकी यहाँ पे एंट्री, जब आप यहाँ पे बच्चों की सह शैक्षिक क्षेत्रों के अंतर्गत एवं व्यक्तिगत सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे आपको बच्चों का ग्रेड फिलअप करना है। जैसे हम देखते हैं, क्लिक करके आप देख सकते हैं इस तरह का ग्रेड यहाँ पे ओपन होगा। तो जिस ग्रेड में बच्चा आ रहा है उसी ग्रेड को आपको यहाँ पे अंकित करना है। तो समस्त बच्चों की जानकारी बड़ी ही सावधानी से आप इसे फिलअप करेंगे। इसके नीचे निर्देश भी दिए गए हैं साथियों, इसका आप एक बार ज़रूर अध्ययन कर लें। इसके बाद जब कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वेरिफिकेशन एवं सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये था एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे शिक्षक साथियों के लिए। आशा है इस जानकारी से आपको अवश्य सरलता प्राप्त होगी। तो आज हमने प्रोजेक्ट कार एवं सह शैक्षिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत सामाजिक क्षेत्रों के अंतर्गत बच्चों की जानकारी कैसे फिलअप करना है इस पर कार्य किया है। आशा है जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेगा। धन्यवाद।